अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? आज हम एएमपी के बारे में स्टडी करेंगे। एएमपी क्या होता है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है मोबाइल व्यू में। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, fizzyadvisor.com पर। तो ये एक वेबसाइट हमने एक लैपटॉप के ऊपर ओपन की हुई है, तो उसका ये व्यू हमें आ रहा है। तो अगर हम कोई भी वेबसाइट है उसको आप मोबाइल व्यू के ऊपर आप चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ से आपने राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करना होता है, और यहाँ से आप ये जो स्क्रीन सी आपको शो हो रही है यहाँ पर आप अगर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ से वेब और यहाँ से ही आपको मोबाइल व्यू शो करवा देते हैं। तो ये आपका मोबाइल व्यू होता है। तो इसकी मोबाइल व्यू को अगर आपने और फास्ट करना होता है, अगर आप जैसे ही अपनी वेबसाइट को मोबाइल के ऊपर आप रन करते हो तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट वे से ओपन हो, तो इसके लिए हमने इसके लिए आप एएमपी को इंस्टॉल करते हो। तो एएमपी को आपने इंस्टॉल करने के लिए आपने अपने वेबसाइट के एडमिन डैशबोर्ड के ऊपर आना है। तो यहाँ से आपने एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, एड प्लगइन के अंदर जाके एड न्यू प्लगइन के अंदर ऐड न्यू की ऑप्शन आएगी। यहाँ से आपने एएमपी का एक सॉफ्टवेयर आपने एएमपी का एक आपने प्लगइन इंस्टॉल करना है। तो ये आपके काफ़ी ज़्यादा एएमपी के प्लगइन आ जाएंगे। आपने ये जो फर्स्ट है इसको आपने इंस्टॉल करना है, और यही आपने इसी को ही आपने एक्टिव कर लेना है। यहाँ से आपने इसको एक्टिव करना है, तो ये आपकी वेबसाइट में एक्टिव हो जाएगा। तो जैसे ही ये एक्टिव होता है, इसके बाद आपने इसकी सेटिंग के कुछ इसकी सेटिंग करेंगे। इसके लिए आपने यहाँ से ओपन दी ऑन बोर्डिंग के ऊपर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इसकी कुछ सेटिंग हो जाए हैं वो उसकी ओपन हो जाएंगी। तो ये इसका वेलकम पेज आ जाएगा, AMP फॉर वर्डप्रेस। यहाँ से आपने इसको नेक्स्ट करना है। तो यहाँ से आपने इसकी टेक्निकल बैकग्राउंड्स को सेट करना होता है। तो इसके लिए आपने, क्योंकि बेसिकली आपकी जो वर्डप्रेस की वेबसाइट होती है वो प्लगइन और थीम से बनी होती है, जिसके अंदर PHP, जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS होता है। तो इसके लिए हमें ये फर्स्ट वाली जो ऑप्शन है इसी को ही सिलेक्ट करना बेहतर होता है। इसको आप सिलेक्ट कर लें ताकि जो आपका AMP है वो आपकी जावास्क्रिप्ट, PHP, HTML और CSS की जो फाइल है उसको कंट्रोल कर ले, उसको कंप्रेस कर ले, उसको जो हमारी मोबाइल व्यू की वेब फाइल्स हैं वो जस्ट आपको मोबाइल व्यू के ऊपर ही रन करवाए। तो यहाँ से आपने नेक्स्ट करना है, और ये आपकी साइट स्कैन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके जितने भी URL हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर उसको ये स्कैन करेगा, और उसके बाद हम इस नेक्स्ट इसका प्रोसेस करेंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा स्कैन करने में आपकी वेबसाइट को, तो तब तक हम इसको पॉज कर लेते हैं वीडियो को ताकि ज़्यादा लंबी ना हो। ये आपकी साइट स्कैन सक्सेसफुली यहाँ आता है, लेकिन इसके अंदर कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो इसने स्कैन फेल कर दिया। लेकिन हम इसको नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट मैं इसको बाद में देख लूँगा। तो नेक्स्ट हम इसकी सेटिंग में देखते हैं। इसके अंदर आपको एक टेम्पलेट मोड सेट करना होता है। तो आप यहाँ से मैं इसको फिलहाल इसको रीडर कर लूँ, आप इसकी इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हो यहाँ से, और ये इसकी सारी इंस्ट्रक्शन दी हुई है नीचे। तो मैं ये फर्स्ट जो है इसी को ही मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो इसके बाद हम आपने टेम्पलेट मोड आपने सेलेक्ट करना होता है, थीम आपने सेलेक्ट करना होता है, आप अपने मोबाइल आप अपनी साइट को मोबाइल के ऊपर किस तरह शो करवाना चाहते हो, उसका जो फ्लो है मोबाइल के ऊपर किस तरह शो होना चाहिए, इस तरह आप शो करवाना चाहते हैं, इस तरह करवाना चाहते हो या इस तरह शो करवाना चाहते हो। तो मैं इस अपनी वेबसाइट को इस तरह शो करवाना चाहता हूँ, इसके लिए मैंने ये वाला प्लगइन को थीम को मैंने सेलेक्ट कर लिया। जब भी आपका मोबाइल व्यू आएगा तो आपकी जो AMP का जो वर्जन है ये वाला सेलेक्ट हो जाएगा, जिस
इस तरह। इसके अलावा आपका यहाँ एक एएमपी का भी, ये एएमपी का अपना एक थीम है, ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपने नेक्स्ट कर देना है तो आपकी जो सेटिंग है वो यहाँ से सेव हो जाएगी। जब आपकी सेटिंग सेव हो जाएगी उसके बाद आपका ये एएमपी मोड ओपन हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से आप चेक टेस्ट कर सकते हो रीडर के ऊपर, यहाँ क्योंकि आपने रीडर को सेलेक्ट किया हुआ है तो आपकी पोस्ट कैसे शो हो रही है। आपकी पोस्ट मोबाइल व्यू के ऊपर कुछ इस तरह शो हो रही है। ये आपके जो आइकन है ये अभी लोड हो जाएंगे। ये एक बेसिकली सर्च बार का था और एक आपका मोर का ऑप्शन मेन्यू का था। उसके अलावा आपका जो पेजेस हैं वो किस तरह शो होंगे, आपने पेजेस के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से आपके पेज ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका ये मेन्यू इस तरह शो होगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है, जैसा आप थीम सेलेक्ट करेंगे उसके मुताबिक ये आपका ये आपका व्यू यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा एएमपी के ऊपर। यहाँ से आपने कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करना है। तो ये आपकी मोबाइल की, अगर आप यहाँ से आप कस्टमाइज कुछ करना चाहते हो अपने एएमपी के ऊपर, तो यहाँ से आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर उसका ये आप नेम नहीं शो करवाना चाहते हो, या इसकी अगर यहाँ से आप इसको रिमूव करके जस्ट यहाँ पर इसका टाइटल वगैरह है वो भी शो करवा सकते हो। यहाँ से आप इसका टाइटल हटा के इसकी जस्ट अगर आपने यहाँ पर इसका आइकन शो करवाना था वो भी आप करवा सकते हो। ये आप पर डिपेंड करते हैं। साइट आइकन अगर आपने शो करवाना तो आप साइट आइकन भी शो करवा सकते हो। यहाँ से आप इसको जैसे आप जिस तरह आप इसको कस्टम करना चाहते हो आप कस्टम भी कर सकते हो। लेकिन आप मैंने आपको एक्टिव करके बता दिया कि इस तरह आपने एएमपी को एक्टिव करने और यूज़ करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।